देश की जनता ने उनको इसलिए चुना है कि वो देश की जो है समय कहाँ है उनके पास, नहीं उनके पास आपके पास तो आप तो पूरी टीम को लेके बैठे खाली समय आपके पास, मोदी 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 हाय हाय पता नहीं क्या करते हैं हम लोग, उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास समय नहीं है आपकी बात सुनने का। मैं उनके पास में समय नहीं होते, आप ये जो बात कह रहे हैं कि उनके पास में समय नहीं है, यदि उनके पास में समय नहीं है तो उनको मोर को जो है दाना चुगाने का, तोता खिलाने का जो है वो समय कहाँ से आ जाता है। एक साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेस्ट रखा है देश में हो रहे बहुजनों के ऊपर अत्याचार को लेकर। हमारे साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हिनोने सर हैं। सर पहले तो यहां दिल्ली आप पहुंचे हैं पूरी टीम को राजस्थान से लेकर, उद्देश्य बताइए। ऐसा है मनोज जी, पहले तो मैं आपके जो न्यूज़ चैनल है मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, आप आए इसके लिए आपका आभार। और हमारी टीम आज इसलिए आई है यहां पर राजस्थान में, राजस्थान से यहां पर चल के, मैं दिल्ली का भी मैं प्रभारी हूं जी, और सुनील मेघवाल जी हैं मेरे साथ में जो है, सतीश चंद्रा जी हैं, आप जो हैं हमारे प्रभारी हैं यहाँ पर लोकसभा के जी, आप जी जी आप जो हैं सचिव हैं, आप भी जो है हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, महेश डेनवाल जी हैं, डॉक्टर पुष्पा वर्मा जी हैं वो भी हैं, भीम सिंह जी हैं वो भी हमारे प्रभारी हैं, तो बाकी और हम मेरे साथ में बाकी अन्य साथी हैं वो भी आए हैं, जिसमें कैलाश जी हैं, डिप्टी साहब हरिनारायण मौर्य जी हैं, हम सभी साथी इसलिए यहाँ पर आए हैं कि 2 अप्रैल ये अभी मणिपुर में जो अभी घटनाक्रम हुआ है और जो जिस प्रकार का यानी कि एक तरह से वहाँ पर हिंसा उत्पीड़न और अत्याचार अनाचार का एक जो लंबा जो दौर है वो चला है और सरकार ने उनकी आवाज़ को जिस प्रकार से दबा के रख दिया था, यदि वो वीडियो वायरल नहीं होता तो इस देश को पता ही नहीं चलता कि वास्तव में मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही है। और ये इसे ऐसी जो घटनाएं हैं वो इस देश को शर्मसार करने वाली है, जब इस प्रकार का वीडियो जब सामने आया तो हम श्रम से हैं वो पानी पानी हो गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की जो है मुंह से जो 2 शब्द है इस घटना के विरोध में नहीं निकले, और साथ ही साथ निर्लजता तो यहाँ तक हो जाती है कि जो हमारी जो पूरे देश की जो महापंचायत जो संसद है, इस संसद में यही जो बीजेपी सरकार है मणिपुर मामले के ऊपर ये जो डिबेट कराने से वो डर रही है। आज ये ऐसे जो मतलब दुस्साहस ऐसा बढ़ गया है इन अत्याचारियों का, और मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं पर ये आरएसएस के वो गुंडे हैं, इनका इतना दुस्साहस बढ़ गया है कि आज महिलाओं की योनियों तक खुले रूप में उनके जो हाथ है वो पहुंचने लग गए हैं, लेकिन ये निर्लज और ये जो निर्दयी जो आतताई जो सरकार है इनके कानों में किसी प्रकार की कोई जून है वो नहीं रेंग रही है। तो इस जो है घटना की कड़ी निंदा करते हैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से। इतना ही नहीं बल्कि हमारी ये मांग है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संविधान में ये प्रोविजन है अनुच्छेद 356 के तहत कि ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि वहां पर बीजेपी की जो वीरभद्र सरकार है वो वहां पर पूरी तरह से नाकाम और निष्फल रही है, ऐसी सरकार को तुरंत वहां पर बर्खास्त किया जाए। संविधान में 6ठी अनुसूची का जो है पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष रूप से वहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजन किया हुआ है, तो वहाँ पर 6ठी अनुसूची है वो लागू की जाए, और इसके साथ साथ में 371C के तहत जो है उनको विस्थापित करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है वो षड्यंत्र बंद होना चाहिए, और इसके साथ साथ में उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, और इस प्रकार के यानी कि एक तरह से जो है कुछ काम करने की आवश्यकता है ताकि वहाँ की जनता में जो है वहाँ के लोगों में आपस में एक सरकार के प्रति शासन प्रशासन के प्रति है एक विश्वास और एक उम्मीद है वो जागृत हो, तो ये हमारी मांग है। ऐसी सर आपकी पूरी मांग मैंने सुनी है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष आपके अंदर है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनका डंका पूरे देश में बज रहा है, आप कह रहे हैं उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं बहुत क्रोध में हूँ, अंदर से मेरे अंदर गिलानी है, इतना बड़ा वक्तव्य दे दिया और आपको क्या चाहिए उनसे? अगर वो क्रोध में होते, यदि उनमें आक्रोश होता जी, इस घटना को लेकर उनमें यदि शर्मिंदगी होती तो मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने कहा है अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन अब तक 6000 से ज्यादा FIR हुई है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो ये एक जो घटना हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं पर उन्होंने एक कोई मुस्लिम जो है वो एक उन्होंने एंगल ढूंढा और उसको भी हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास किया, हालांकि वो जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाया।
इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि उनमें थोड़ा सा भी आक्रोश होता तो अब तक बीजेपी की सरकार वहां पर बर्खास्त हो गई होती और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। लेकिन वो राजनीति है वो ज्यादा करते हैं, मोदी जी को देश की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी की चिंता उन्हें ज्यादा है, आने वाले चुनाव की उनको चिंता ज्यादा है, इसलिए वो इस देश को जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, आदिवासियों को आदिवासियों से आपस में भिड़ाने का, आदिवासियों को जो है ओबीसी के साथ में भिड़ाने का, आदिवासी और जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको आपस में बांटने का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको ओबीसी और जनरल के साथ में बांटने का, लड़ाने का जो काम है ये मोदी जी है वो देश में कर रहे हैं। इस रूप में उनका निश्चित रूप से डंका बज रहा है। बाकी तो देश के हालात खराब हैं, यहाँ पर महंगाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, यहाँ पर जो है देश की जो संपत्ति है उसको औने पौने दामों में है वो इन कारपोरेट पूंजीपतियों को है वो बेच दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे जो पीएसयू जो थे उनको जो है वो बेच दिया गया है। तो स्थिति है वो बड़ी अपने आप में भयंकर हो गई है। देश के भले के लिए यूजीसी ले तो आए हैं, वो देश के भले के लिए नहीं है, ये देश को बांटने के लिए है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का काम हमारा भारत का संविधान करता है। इस संविधान को यदि मजबूती प्रदान करना है तो ये हमारी मांग है मोदी जी कि आप इसमें, यदि आप में दम है और यदि आप में वाकई में यानी कि एक तरह से आप चाहते हैं कि इस देश में यानी कि एक तरह से जो है मजबूती लाएं, या आप में आक्रोश है, तो जो थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत सरकार ने रेक्टिफाई किया है, आप उसको संविधान में इनकॉर्पोरेट करें। जिस दिन इस संविधान में जो है हमारे थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स लागू हो जाएंगे, देश में चलने वाले इस प्रकार के अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो नीति है वो इस देश को बांटने और राज करने की नीति है, और आपको डर है कि जिस दिन सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि आपके इतने कुकर्म किए हुए हैं कि उन कुकर्मों को छिपाना है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुकर्मों को छिपाने के लिए भी आप जो है इस प्रकार के ये जो है हथकंडे आप अपना रहे हैं। आलू प्याज मंत्री और वो है ना, वो सिलेंडर मंत्री, माफ कीजिएगा, वो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, कल वो कह रही थी सदन में खड़ी होकर, आपने सुना उनका वक्तव्य? जी मैंने सुना। सिलेंडर मंत्री, हमारी माननीय सिलेंडर मंत्री कह रही है कि सारे जवाब प्रिंसिपल से लोगे, क्या उनके बीच में विभागों के अलग अलग दूसरे प्रोफेसर भी हैं उनसे जवाब ले लो, क्या माननीय मोदी जी करेंगे? उनकी मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री हैं जो इस इन सब ब्रांचों के मतलब विशेष अधिकार रखते हैं, वो जवाब देंगे? आप पड़े लकड़ी तोड़े मोदी जी के पीछे, पता नहीं क्या मोदी 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 चला रहे हैं। देखिए बात यह है कि किसी भी देश का जो वास्तविक जो राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, हालांकि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसके हाथ में किसी प्रकार के वास्तविक अधिकार नहीं होते। और 144 लगा सकती है ना? बिल्कुल, वो तो आप बिल्कुल वो लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं लगा सकती, वो भी प्रधानमंत्री की अनुशंसा यानी मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर ये सारे काम होते हैं। यानी राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो अपने स्वे विवेक से या स्वेच्छा से नहीं करते, बल्कि वो राष्ट्रपति की या सॉरी मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर ये जो काम है वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास में, और प्रत्येक कार्य के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो प्रधानमंत्री सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के प्रति, विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी है वो भी उनके प्रधानमंत्री के प्रति है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी काम है वो अपने आप में प्रधानमंत्री का माना जाता है, तो वो चाहे प्रधानमंत्री उसके बारे में स्पष्टीकरण दे, चाहे उनका मंत्रिमंडल जो है स्पष्टीकरण दे। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज चाहे आप विदेश मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप गृह मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आपका जो है और दूसरे अन्य जो मंत्रालय ले लीजिए, सही सभी पर जो है डंका है वो मोदी जी का ही बजता है, बाकी और दूसरे अन्य मंत्रालय हैं वो गौण हो गए। आप तो बेकार का आरोप लगा रहे हैं माननीय मोदी जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री हैं, 5-5 लाख रुपए के कपड़े सूट बदलते हैं, उनसे फुर्सत नहीं है, आपकी बात सुनेंगे वो लोग? जी बिल्कुल, हाँ ये बात आपकी सही है कि उनको 5-5 नहीं 10-10 लाख में उन्होंने फौरन जा रहे हैं, फौरन हाँ देश में कहाँ घूमेंगे वो, देश का गाँव में गली में घुमाओगे उनको कीचड़ में? देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल लायक ओवर कर रही सर, देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ में यदि उनको राजनयिक या कूटनयिक संबंध स्थापित करने हैं तो वो देश का आम नागरिक जो है वो जाकर कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। देश की जनता ने उनको इसलिए चुना है कि वो देश की जो है समय कहाँ है उनके पास? नहीं उनके पास, आपके पास तो, आप तो पूरी टीम को लेकर बैठे, खाली समय आपके पास, मोदी 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 हाय हाय पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास समय नहीं है आपकी बात सुनने का? मैं उनके पास में समय नहीं होते, आप ये जो बात कह रहे हैं कि उनके पास में समय नहीं है, यदि उनके पास में समय नहीं है तो उनको मोर को जो है दाना चुगाने का, तोता खिलाने का जो है वो समय कहाँ से आ जाता है? एक
बच्चे नहीं है, अब उनके बच्चे नहीं है, तोते भी नखलाए, मोर भी नखलाए सर, देश का ऐसा प्रधानमंत्री, बीवी से लगाव नहीं है, तोते से मोर से तो लगाव है भाई, देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो मोर खिलाता है, जो तोते खिलाता है, अब पोते पोते नहीं खिलाता है, अब पोते पोते नहीं भाई, तो तोते खिलाएंगे तो उनको, जब शादी नहीं की है, शादी तो की है, शादी हुई थी उसको छोड़ दिया, तो अब जो है हम ये कहना चाहते हैं कि ये मन की जो बात है ये तो करना बंद करें और काम की बात करें, और ये जो तोते हैं उनके साथ में या जो है मोर है उनके साथ में अपना जो समय जाया करने के बजाय यदि इतना समय वो इस देश की जनता के सही कामों के लिए करते तो आज देश के हालात ये नहीं होते। अपने कारपोरेट मित्रों के लिए वो काम करते हैं, अन्यथा इस देश में केवल दो ही नाम दिखते हैं, एक तो मोदी एक अमित शाह। अरे जियो फ्री हुआ था, पूरे देश ने जियो खरीदा था, आपने भी एक सिम लिया था जियो का, अब आप उन कारपोरेट घर वालों को गाली दे रहे हैं क्या? मतलब फ्री लोगे तो ठीक है, अब नहीं मिल रहा है, अब 300-400 रुपए महीने में जमा कराना पड़ रहा है, तो आप कारपोरेट घर वाले को भी गाली देने लग गए। देखिए ऐसा है कि इस ये बड़ी इस देश की विडंबना है, इस देश की विडंबना यह है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए लोगों को लुभाने के लिए जियो फ्री दिया गया था, आज स्थिति यह है कि वही जो जियो है वो उनकी जेब के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, और हमारा जो BSNL जो अपने आप में सबसे मजबूत सेक्टर था इस कम्युनिकेशन सेक्टर में, आज वो जो है वो धूल है, वो उसके ऊपर जो है पड़ गई है, और आने वाले समय में स्थिति ये हो गई है कि जहां पर 5G है वो आ गया है, वहां पर आज 3G जो है वो चलाने की स्थिति में हमारा BSNL नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर BSNL को खत्म करना और जियो को बढ़ावा देना और अपने जो कारपोरेट मित्र अडानी अंबानी इनको जो है आगे बढ़ाने के लिए इस देश की जो है ये एक गलत आर्थिक जो नीति है उसकी परंपरा इन्होंने डाली, इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ के जो कारपोरेट जो यहाँ के जो PSU जो क्षेत्र है इनको बेच दिया गया इन्हीं यानी कि एक तरह से पूंजीपति मित्रों के हाथों में। ये बड़ी देश की विडंबना है, आज रेलवे बिक चुका है, इन्होंने साहब पूरे एक साल से ज्यादा समय तक किसान बैठे रहे, पुलिस वालों ने दबा के उनको कूटा है, पहलवानों की कुटाई पूरे विश्व ने देखी है, कर्मचारी आज वहाँ दिल्ली गेट पे थे वो तो प्यारे सरकारी कर्मचारी प्यार से निकल गए, उनकी भी कुटाई हो सकती थी, अब आप क्या चाह रहे हैं 10-20 कर्मचारी लेकर आप यहाँ खड़े हैं, आपकी बातें नहीं मानी जाती, आप आंदोलन करेंगे इनको भी कुटवाएंगे। देखिए ऐसा है कि जब कफन बांध कर निकले हैं जी तो अब चाहे सर कटाना पड़े या कलम कराना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। रही बात संवैधानिक रूप से हमारी बात रखने की जी। तो संवैधानिक रूप से बात रखने के लिए संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम हमारी बात को बखूबी रूप से हम रखें, हम जनता की जायज मांग को उठाते रहेंगे, पहले भी हमने उठाया है आगे भी हम उठाते रहेंगे, और रही बात यानी कि एक तरह से कि देश की जनता सारी बातों को देख रही है, और हम तो ये चैलेंज करते हैं कि हम अमित शाह को भी चैलेंज करते हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, इनके जितने भी जो गुर्गे हैं हम उनको सबको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों के पास में जो है इस देश को चलाने की सही नीति नहीं है, यदि आप लोगों के पास में इस देश को सही प्रकार से चलाने की नीति है तो मोदी जी हम चैलेंज करते हैं, आइए खुले मंच के ऊपर एक पोडियम हमारा जो है आपका लगता है, एक पोडियम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर साहब का आप लगाइए और 1 घंटे की डिबेट है वो होने दीजिए, देश के जो हमारे जो न्यूज चैनल है उनके ऊपर लाइव टेलीकास्ट होने दीजिए और फिर देखिए कि आपका जो टेलीप्रॉम्प्टर से चलने वाली जो बातें हैं उनसे जो है जनता है वो प्रभावित होती है, या इस देश की रीति नीति को चलाने वाले अम्बेडकर जो लोग हैं उनके बारे में जो है जानकर जो है अवगत करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट खराब करवाना चाहते हैं जी, टेलीप्रॉम्प्टर करोड़ों रुपए का, जहां जाते साथ लेके जाते हैं, आप इतनी बार नहीं घूमे करोड़ों रुपए के वो टेलीप्रॉम्प्टर इसीलिए लगाए गए हैं जी, ताकि यानी कि एक तरह से मैं ये कहता हूँ मोदी जी अगर उनके सामने अगर आमने सामने अगर भाई फेस टू फेस अगर डिबेट होने लगे तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, आज वो जो कुछ भी बोलते हैं जब टेलीप्रॉम्प्टर से टेक्निकल एरर आ जाता है तो उनकी जो जुबान है वो लड़खड़ा जाती है, तो इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री की ही मुझे लगता है कि इस देश को आवश्यकता नहीं, इस देश को आवश्यकता है एक विजनरी जो है लीडर की, एक विजनरी प्रधानमंत्री की जो इस देश को जो है वो अपने आप में आगे ले जा सके, और ये जो चलने वाले विभिन्न प्रकार की जो भेदभाव इन्होंने जो पैदा किए हैं ये भेदभाव है वो खत्म हो, और देश की जो गंगा जमुनी जो तहजीब है जिसमें सभी वर्गों के साथ में शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ में जो है जो लोग हैं वो रह सके एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल 2024 की क्या तैयारी है जी? अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है
वो अभी तो फिलहाल तो 2023 के छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में है वो चुनाव लड़ी रही है, और साथ ही साथ 2024 के जो लोकसभा चुनाव में अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन अपने 18 राज्यों में हमारा संगठन है, 18 राज्यों में निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी। और इस बार जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब भी जो चुनाव वो लड़ेंगे, और जिस दिन वो संसद में पहुंचेंगे, मनोज जी मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जिस दिन आप डिमांड करेंगे कि आज चाहे सरकार वहां पर बीजेपी की हो, चाहे उस समय कांग्रेस की हो, जो भी सरकार बनेगी वो अपने आप में बहुमत के आधार पर बनेगी, लेकिन जिस दिन विजय मानकर साहब जो संसद में पहुंच गए, संसद में इनको एक पैर के ऊपर जो है वो डांस नहीं करवा दिया, तो आप जो है अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का और विजय मानकर साहब का हमारा नाम है वो बदल दीजिएगा। और आज जो ये घटनाएं जो घट रही है, इन घटनाओं के ऊपर किस प्रकार से अंकुश लग सकता है और संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से किस प्रकार से इनके ऊपर लगाम जो है वो कसी जा सकती है, और वो लगाम लगाने का और कसने का जो काम है वो धीमान विजय मानकर साहब कर सकेंगे, क्योंकि उनकी काबिलियत के ऊपर और उनकी कुवत के ऊपर है वो हमें पूरा यानी कि एक तरह से यकीन है। बस आवश्यकता इस बात की है, और देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि विजय मानकर साहब को जो है और उनके साथ साथ में पार्टी के कुछ लोगों को है वो संसद में पहुंचाइए, और फिर उसके बाद में कमाल देखिए कि किस प्रकार से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए जहां तक यानी कि एक तरह से संवैधानिक हित में जो भी बात होगी वो विजय मानकर साहब हैं इस मामले में है, वो डिस्कस करेंगे, वो निर्णय लेंगे, और जो भी यानी कि एक तरह से उचित होगा वो उचित निर्णय लेकर अपने आप में काम करेंगे। चलिए, आप तो इन्होंने साहब अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली के भी प्रभारी है, राष्ट्रीय सॉरी अध्यक्ष है राजस्थान के, एक लंबी चौड़ी बात चर्चा हुई है, और कहीं ना कहीं वर्तमान में जितनी भी पार्टियों से, जितने भी हम पीड़ित शोषित समाज के लोगों से बात करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहे हैं कि 2024 में वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसको आप इस गद्दी पर नहीं रहने देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, छोटी सी नाव में गुजरातियों को गुजरात भेजकर मानेंगे। देखते हैं ये पूरा इंडिया का टोला और इंडिया से इतर जो संगठन है देश के अंदर जो काम कर रहे हैं वो कहाँ तक 2024 में सफल हो पाएंगे, क्या वो अपने हकूक की लड़ाई को जीत पाने में कामयाब हो पाएंगे, या टुकड़ों में बिखर कर छोटी छोटी आवाजें बनकर खत्म हो जाएंगे। आप देखते रहे तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स जो आपके अपनी की जो आपके अपनों की आवाज़ आपको तक पहुंचाते हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आज की साक्षात्कार के बारे में आपकी क्या राय है, हिमेंद्र साहब ने जो बातें कही उनसे आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।